पॉइंट, अवॉइड स्ट्रेनिंग योर आईज। कई बच्चों को आदत होती है ऐसे, मैं सच बता रहा हूँ, कई बच्चे क्या होते हैं ऐसे खोलेंगे चश्मा चश्मा, या उनको तो होश ही नहीं होता, मतलब पलक झपकना, ये जो पलकें झपकती है ना बेटा, वो आपके फायदे के लिए होती है। आपके शरीर में जो भी अभिक्रियाएं हो रही है ना, भगवान ने, ऊपर वाले ने आपके फायदे के लिए बनाई है। पर कई लोग ऐसे घूरते रहते हैं चीजों को, स्ट्रेन मोबाइल के अंदर बस फंसे रहेंगे, तो बस देखते रहेंगे हाँ क्या है, ऐसा घूरना। जब आप आंखों को इतना, चाइनीज आंखों को इटालियन आंखों में बदल के ऐसे घूरते रहते हो, कभी बुक्स को, कभी मोबाइल को, कभी किसी लड़के को और कभी किसी लड़की को, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, ऐसे करके आप अपने माइंड को एक्चुअली तकलीफ दे रहे हो। स्ट्रेन करना इज रियली वेरी बैड हैबिट, स्ट्रेनिंग ऑफ आईज इज रियली अ बैड हैबिट। प्लीज आप इसको दुरुस्त करो। आप अब जितनी नॉर्मल आंखें खुलती हैं आपकी, आप जरा खोलो, सुबह उठते हो आंखें खुलती हैं आपकी, आप दिन में थोड़ी ज्यादा खुल जाएंगी, तो वो अपने आप खुल रही हैं, आप ज्यादा तकलीफ मत दो उनको। अगर आप लोगों को ज्यादा तकलीफ हो रही है, दिख नहीं रहा है, अगर आप स्ट्रेन कर रहे हो अपनी आईज को, तो आप अपने दिमाग को एक्चुअली ना प्रॉब्लम दे रहे हो और वो दर्द करेगा। तो इसलिए ना आई की स्ट्रेनिंग तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी डोंट हैव टू यू नो डू आई स्ट्रेनिंग। ज्यादातर लोग कौन आई स्ट्रेनिंग करता है, कौन बड़ी बड़ी आंखें खोलता है, उसका कारण होता है ढंग से सोए नहीं हो। अगर आप ढंग से नहीं सोए हो तो आप पक्का बड़ी बड़ी आंखें ऐसे खोलोगे और बार बार देखोगे। सो दैट इज रियली अ बैड हैबिट, सो प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है।